वहीं नजर डालें ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिल रही है ग्वार गम, जबकि 10,000 के ऊपर सस्टेन लेकिन ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ। वहीं ग्वार सीट की बात करें तो 6,000 के नीचे लुढ़क चुका है, 5890 पर नवंबर वायदा, तो वहीं अक्टूबर वायदा 5865 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ग्वार एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जो 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही और सीट 6,000 के ऊपर नहीं रुक पा रही। जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाता है वहां से एक हैवी सेलिंग देखने को मिलती है, यानी जिन लोगों ने निचले स्तरों पर माल खरीदा है वो ऊपरी स्तरों पर माल निकालते हुए दिखाई देते हैं। तो फिलहाल यही रेंज अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, फंडामेंटल कोई बहुत ज्यादा इसका सपोर्टिव नहीं है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उन खबरों के चलते एक पॉजिटिविटी जरूर बनाई जा रही है मार्केट के अंदर और उसी वजह से इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। तो फिलहाल एक रेंज के बीच में, तो जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से इसमें कारोबार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर अभी आपको थोड़ा सा वेट करें, अभी गिरावट आ रही है, इस गिरावट के अंदर वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। सीट अगर आपको नवंबर वायदा 5800 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं, 5600 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में वापस से आपको 6000 से लेकर 6200 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर गम की बात करें तो गम भी नीचे में 9800-9700 मिले तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। नवंबर वायदा में इंट्राडे में आप बिकवाली की तरफ जा सकते हैं।